क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? नेहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें रखी, फारूक से सॉरी भी कर लिया, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात मानो। कौन सी बात? अभी हम लोग जब जाने लगेंगे ना, तो फारूक ना अपना हाथ बढ़ाएगा तुम्हारे आगे हाथ मिलाने के लिए, तो तुम वो हाथ नहीं मिलाओगी और मुंह से लाभ भी सफेद जाओगे। ये क्या बात हुई? प्यार से बोला, उम्मीद है कि मानोगी मेरी बात। उमर, हाथ मिलाना कौन सा बड़ा मसला है? हाथ मिलाना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानी है तो तुम्हें मेरी बात भी रखनी होगी। अब वो क्या सोचेगा यार? जो भी सोचा, आई डोंट केयर। तुम और तुम्हारी बातें। चलो यार ब्रो, हम लोग चलते हैं, घर से कॉल्स भी आ रही हैं और लेट हो रहे हैं काफी। चलो, ख्याल रखना अपना। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। उमर, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ। उमर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? समझ तुम्हें नहीं आती ना, प्यार की बात तुम समझती हो, तुम्हारे साथ रहना ना फजूल है बिल्कुल। नेहा, तुमने ये बहुत घटिया हरकत करी है आज। क्या घटिया हरकत की है? तुमने देखा था मेरे आगे उसने हाथ बढ़ाया हुआ था। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम कैसे बोल सकते हो ये? तुम्हें पता, इतना ऑकवर्ड लग रहा था। नेहा, मैंने तुम्हारी इतनी बातें रखी है वहां पर, तुमने मेरी इतनी सी बात नहीं रखी। उमर, ये अचानक से ना ऐसी मुझसे बातें नहीं रखी जाती। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ में? वैल्यू की बात कहाँ से आ गई है? ठीक है, आइंदा तुम मुझे कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं रखूंगा। अपने दिमाग में बिठा लेना ये चीज। उमर, मुझसे ना शर्तें नहीं रखो। दफा हो यहाँ से। कहीं क्या समझती है, खुद को वैल्यू ही नहीं देती। उमर, क्या हुआ, सब खैरियत है? एक्चुअली मैं आपके रूम में गई थी, आप वहाँ थे नहीं, और नेहा के रूम के बाहर काफ़ी आवाज़ें आ रही थी आपके और उसके लड़ने की। अब उसने क्या किया? आयशा, तुम जानती हो कि हमारे घर का माहौल कैसा है, और नेहा का जो ये दोस्त में इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, कोई बात प्यार से समझाओ जब भी नहीं समझती। उमर, अगर वो आपकी बात नहीं समझती तो आप उसे समझाना छोड़ दें। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था। और उमर, उसका माहौल बहुत अलग है, वो एक अलग माहौल से आई है। मेरा मतलब है, वो बाहर से आई है तो उसका रहन सहन भी अलग है, उसके दोस्त भी अलग हैं। और मैं जानती हूँ आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बाबा जान की बात, अगर बाबा जान ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है तो उनको मना कर दें कि अब आप नहीं जाएंगे नेहा के साथ। आयशा, मैं बाबा जान से बात नहीं कर सकता, और बाबा जान ने मुझे आज तक जो भी जिम्मेदारी दी है ना, वो मैंने पूरी की है, और ये जिम्मेदारी भी पूरी करूँगा। कुछ टाइम की बात है, फिर वो चली जाएगी वापस। कितना परेशान कर दिया इस लड़की ने उमर को, पता नहीं कब जाएगी ये यहाँ से, हम सबकी जान छूटेगी। काम करती हूँ, नेहा से ही जाके पूछती हूँ लड़ाई हुई किस बात पे। हेलो नेहा। हाय। क्या हुआ, तुम्हारा भी मूड खराब है? और तुम्हारे रूम के बाहर बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी, तुम्हारी और उमर की। कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी? आयशा, उमर का ना दिमाग खराब हो चुका है। नेहा, तुम उमर को ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर बात क्या है, बताओ तो मुझे। आयशा, उमर ने ना हर जगह जाके सिर्फ तमाशा करना होता है। कल भी फारूक ने डिनर प्लान किया था, हम लोग वहां गए और एंड में उमर ने तमाशा कर दिया कि तुम फारूक से हाथ नहीं मिलाओगी। मैंने हाथ मिला लिया तो इसी बात पे लड़ रहा था वो मुझसे। आयशा, अब तुम ही बताओ, ये कोई लड़ने वाली बात है? नेहा, उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम इस घर का माहौल नहीं जानती। अभी उमर को बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारे घर की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं जाती और ना इस तरह दोस्तों में इन्वॉल्व होती हैं। सॉरी टू से आयशा, मुझे ना इस घर की लड़कियों जैसा बिल्कुल नहीं बनना। मैं जो हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और रही बात फारूक की, वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, तो ये हाथ मिलाना इट्स नॉर्मल। नेहा, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है, उमर के लिए नॉर्मल नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट किया है। और मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगी, प्लीज़ उमर की बात मान लो, वो जो कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि वो फारूक को कुछ कर दें। क्या मतलब फारूक को कुछ कर दे?
मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम भी उमर के गुस्से से वाकिफ हो। उमर को भी ना हवा बनाया हुआ है, मैं नहीं डरती उमर से। और बेटा नेहा को कहाँ कहाँ घुमाया? मम्मी नेहा जहाँ जाने का बोलती है ना तो उसको ले जाता हूँ वहाँ पर। चलो ये तो ठीक है, तुम लोगों की लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही अब? मम्मी लड़ाई का तो अब ना ही पूछे तो बेहतर है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हमारी लड़ाई ना हो, बहुत लड़ती है। तो बेटा तुम मत लड़ा करो, बल्कि तुम उसका ख्याल रखा करो, थोड़े दिन की तो मेहमान है, फिर वो चली जाएगी अपने घर। मम्मी मुझसे ना ये सब नहीं होता। अम्मी जी वो मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट चली जाऊं, मुझे कुछ सामान लेना था अपना, तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं? नहीं नहीं बेटा, ड्राइवर के साथ जाने की क्या जरूरत है, आप उमर के साथ चली जाओ। अम्मी मुझे और भी बहुत काम है, तो आयशा को आप बोलें ड्राइवर के साथ चली जाए। आपने देखा अम्मी, ये यही करते हैं मेरे साथ, जब भी बोलो इनको जाने का कभी नहीं जाते, इसीलिए मैंने नहीं कहा आज जाने का। बेटा तुम्हें पता तो है उसे शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है। जी अम्मी जी ऐसा ही है, खैर छोड़े मैं अकेले चली जाऊंगी, छोड़े उमर को। आयशा कहाँ जा रही हो? उमर के लिए चाय बनाने। तो एक काम करना प्लीज, चाय आज मुझे दे देना, मैं लेके जाऊंगी उमर के पास। पर नेहा ये तुम्हारा काम नहीं है, उमर को चाय मैं ही देती हूँ, तो मैं चाय देकर आती हूँ। आयशा तुम्हारा भी काम नहीं है, लेकिन मुझे आज चाय लेके जानी है क्योंकि उमर मुझसे नाराज है। ठीक है ला दो प्लीज। ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रही है उमर में? पहले उमर के साथ आना जाना, अब उमर के लिए चाय भी लेके जाएगी। बचपन से ये सारे काम मैं करती आई हूँ, मैं तो नहीं करने दूंगी इसे, क्या करूँ पर ऐसा। एक काम करती हूँ ना, उमर की चाय में नमक डाल देती हूँ, उमर पियेंगे नहीं इसके हाथ की चाय। नहीं चाय बनाने में घंटा तो नहीं लगता है। ये लो चाय, तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं, थैंक यू। ये लो उमर तुम्हारी चाय। ऐसे क्या देख रहे हो? खैरियत, मेरी चाय तुम लेकर आ रही हो? बस ऐसे ही ले आई। आयशा कहाँ है? वो किसी दूसरे कामों में बिजी थी तो मैं ले आई। इसके पीछे भी ना कोई मकसद होगा तुम्हारा। कोई मकसद नहीं है, ऐसे भी क्या देख रहे हो चाय को, जहर नहीं मिलाया मैंने उसमें, पी भी लो।